प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1967 मंगलवार को सातवें पेज में बात चल रही थी कि बाप को याद करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहने से तुमको ये पद मिलेगा। जितना याद करेंगे, जितना सेवा करेंगे, और पावन तो बन नहीं है, याद से पावन बनेंगे। क्योंकि अभी तुम समझते हो कि बस इस भक्ति मार्ग की दुनिया में जो कुछ भी मनुष्य करते हैं, क्रिया कर्म अनेक प्रकार के, ये सब बेस्ट ऑफ टाइम सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। कितना भी गोता खावें, कुछ भी करें, सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। और सीढ़ी चढ़ने का तो सिर्फ तुम बच्चों को एक ही रास्ता मिला है, जो बाप ने बताया। तो ये भगवान वाच है ना बच्ची, सो भी अभी तुम बच्चे जान गए हो कि कृष्ण भगवान वाच नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान होता ही नहीं। वो तो मंदिरों में भी यादगार बनी हुई है छोटे बच्चे की। छोटा बच्चा कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग का ज्ञान गीता ज्ञान कैसे देगा? गीता वाले जो भी हैं, और वो गीता पढ़ते भी होंगे, तो कृष्ण को ही याद करेंगे, समझेंगे कृष्ण भगवान वाच हैं। अभी कृष्ण को वास्तव में ये सन्यासी लोग, वो मानते ही नहीं है। वो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो कोई जीवन मुक्ति पद पाएंगे थोड़े ही, जो जीवन मुक्त कृष्ण को माने। वो तो मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं, तो वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो वो ही दूसरे को बताने के लिए और पैसा कमाने के लिए उन्होंने गीता उठाई। नहीं तो आगे कोई सन्यासी गीता वीता कोई थोड़े ही कुछ सुनाते थे। वास्तव में सन्यासी तो सन्यासी, संपूर्ण त्यागी, तो उन्हें तो शास्त्र वगैरह कुछ पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये तो गृहस्थियों के लिए है। तो
ब्राह्मण जो होते थे ना, ये वो ही पुष्कर के ब्राह्मण, पुष्कर यादगार है ना, कहां राजस्थान में यादगार है, कहां की यादगार है, है? अरे नहीं, पुष्कर नहीं, ब्राह्मणों की यादगार है। पुष माने धक्का, धक्का पड़ी गाड़ी होती है ना, धक्का मारते जाते हैं, चलती जाती है, कब तक चलेगी। तो वो पुष्कर अलग है, है? और अजमेर अलग है। पुष्कर में ब्रह्मा का यादगार है अजमेर के पास ही, समझे ना। बाकी अजमेर को पुष्कर नहीं कहा जाता है, पुष्कर का तो तीर्थ है, अजमेर कोई तीर्थ थोड़े ही है। अजमेर से कुछ थोड़ा दूर, 10-20-15 माइल दूर वहीं है पुष्कर। और लेक भी वहां है, तो वो तीर्थ है, बहुत अच्छा पुष्कर है वो, छोटा पुष्कर। बड़ा पुष्कर, तीसरा पुष्कर, ऐसे ऐसे वहां पुष्कर हैं। उनका नाम पुष्कर है, तीर्थ पुष्कर माना जाता है। तो अजमेर तीर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं। नाम ही पड़ा है अज, माने बकरी, बकरा, मेड़ माने भेड़, भेड़ बकरियों को अब उद्देश्य है, तो उसको कोई तीर्थ थोड़े ही कहेंगे, है? वो तो शहर है, और शहर से तो दूर है वो पुष्कर। तो वो तीर्थ में वो स्नान वगैरह करते, अब है तो वो पानी का स्नान, भक्ति मार्ग में तो सारी स्थूल बात पकड़ती है ना, है वास्तव में ज्ञान स्नान की बात। तो 100 तीर्थ कैसे बने हैं, है? अगर बंदर खाएंगे, अगर पढ़ेंगे तीर्थ, तो देखो सब गपोड़े ही गपोड़े है ना। देखो ये गपोड़े हैं, हरिद्वार तीर्थ अभी क्या है, अरे ये गपोड़ा नहीं है तो क्या है भला, बस
बस गंगा भी क्या कहते हैं, पतित पावनी है, इसलिए मनुष्यों ने, मनुष्य जा करके वहां गंगा के किनारे बहुत घर बनाए हैं। काशी में, इलाहाबाद में, कानपुर में कितने बड़े बड़े शहर बनाए हैं, घर बनाए। वहां काशी में गंगा बहती है, तो अच्छा वहां बहुत जाकर के तीर्थ बनाए, अनेक प्रकार के घाट बनाए, बस क्योंकि है भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग के लिए तीर्थ चाहिए ना, तो बस ऐसे तीर्थ बने। कहां पानी है, कहां लेक है, कहां नदी है, कहीं क्या चीज है, फिर कुछ न कुछ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसलिए वो तीर्थ बना है। है ये सब बनावट। और ये भी जानते हो कि जो जो भी पास्ट हो गया है उसकी यादगार बनाई जाती है, तो जैसे कि वो सब तीर्थ यादगार है, होती है ना। बिजली की वो फिल्म की रील वो रोल जो होता है ना, वो थोड़ा 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 टिक 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 टिक, फिर जो भी ड्रामा चलता है ऐसे टिक टिक फिरता रहता है। एक सेकंड भी नहीं होगा, दूसरा जो पास्ट हुए सेकंड, उन जैसी सीन तो फिर नहीं होगी ना, कभी भी नहीं होगी। तो फिर ये बेहद का बहुत बड़ा ड्रामा है, ये भी ऐसे ही है जैसे कि कोई सीट, तो वो जो फिल्म बनाते हैं ना, वो सेकंड बाय सेकंड ये जैसे कि फिरता ही रहता है। और हम हैं टाकी, टाकी है ना, देखो तो हम टाक कर रहे हैं, तंदादोरी कर रहे हैं सभी, तो ये बेहद का जैसे है वैसे, ये भी भक्ति मार्ग में समझना चाहिए बच्चे। तो जब इन्हीं बातों में समझ में बैठे और बाप को भी याद करें, इस ड्रामा को भी याद करें, तो उसको कोई कहा जाता है क्या, दोनों को टैली करें ना, भक्ति मार्ग को भी और ये जो तुम्हारा चल रहा है इसको भी, तो विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो अभी इतना कोई याद थोड़े ही करते हैं, जो विचार सागर मंथन चलता रहे, नहीं बच्चे। अरे वो झरमुई थरमुई फरमुई ऐसी बातों में कोई याद करती है क्या,
कोई याद नहीं करते, कोई ये बाप को याद करके बड़े हर्षित होते हैं। जब देखो तब ये भक्ति मार्ग की बातों से है बाप की बातें टैरी करके कितने हर्षित होते रहते हैं। और जिनको फिर उनको फिर पक्का निश्चय हो जाता है तो फिर बिल्कुल अच्छे, वो तो फिर सदैव हर्षित ही हर्षित रहती है। हम बोलता है अभी तो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, अरे बहुत सुख के दिन आ रहे हैं। तो वो सुख के दिनों की खुशी रहेगी ना, तो तुम बच्चों को तो जरूर ये तो होना चाहिए खुशी, क्योंकि हमको तो बहुत सुख के दिन आ रहे हैं। और अभी हम जितना बाबा को याद करेंगे इतना बहुत सुख के दिन देखेंगे आएंगे। बाबा ने समझाया ना कि सतयुग और त्रेता में रात दिन का फर्क पड़ जाता है, तो देखो सतयुग को कोई त्रेता, वो त्रेता को कोई सतयुग थोड़ी कहा जाता है, नहीं तो सतयुग में जाना ये तो हमारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे तो त्रेता के अंत में, अभी समझो किसका त्रेता के अंत में राजाई कब चालू होगी है? तो त्रेता के अंत में जैसे बाबा कहते हैं ना, वो पिछाड़ी में किसका जन्म है? 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 इस दुनिया में भी ये जो बेहद का ड्रामा है इसमें पिछाड़ी में लास्ट जन्मों में जाके किसका जन्म? अरे मक्खी मच्छर, ये मक्खी मच्छर माफिक है आते रहते हैं, आया और ये गए। जैसे मुक्ति धाम में रहा तैसे ये भी, तो भाई राजाई तो चाहिए स्वर्ग की, चाहिए ना, वो स्वर्ग की राजाई प्राप्त नहीं कर सकते, तो आया आकर के त्रेता के पिछाड़ी में है थोड़ा राजा बना, और झट बाम मार्ग में चला गया। त्रेता के अंत में द्वापर शुरू होता है ना, तो बाम मार्ग में चले जाते हैं, ये गिरा बाम मार्ग में। पांच बारह 1967 की प्रातः क्लास का आठवां पेज मंगलवार। तो फिर बताओ उत्त्रेता के अंत में जो पद पाया थोड़े समय और नीचे गिर गया, उसमें क्या जमा हुआ? साबित होता है कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो वो तो कोई मजे की बात नहीं है। मक्खर मिच्छी मिसल ये आया और वो गया, तो ये बातें बाप समझाते रहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर करके ऊंच पद पाओ,
पूछो कि हमारा बाबा हमारी चरण कैसी है, तो मैं फट से बता दूंगा, समझा ना, कि ये जो तुम्हारी चलन इस समय में चल रही है, इस चलन में तुम्हारी कोई उन्नति नहीं होगी। हाँ, तुम त्रेता की पिछाड़ी में आ जाएंगे, और त्रेता भी कोई एक दिन की बात थोड़ी है, सारा त्रेता युग 1250 वर्ष, उसमें कितना जन्म भी तो लेना पड़ता है ना, तो फिर कम पुरुषार्थ करके घाटा तो नहीं डालना चाहिए ना। बाप तो कहते हैं कोई भी बच्चा घाटा नहीं डालो, कोई भी अपना किसी प्रकार का अपने में घाटा नहीं डालना, क्योंकि घाटा भी तो आप ही डालते हैं ना, समझा ना। अटेंशन नहीं दे करके, याद न कर करके, या सारा दिन देवान में रह कर करके, या कहां का कहां बुद्धि चली जाती है, यानी एक बिगर दूसरे को याद करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं याद करते। और बाबा इसके लिए भी तो कहते हैं ना, कोटों में कोई है? बाबा कहते हैं फोटो फोटो, इनका फोटो निकालो, बोलता नहीं, भले ये घर है उनका, रहते हैं, तब भी यहीं तुमको काम में नहीं आएगा, बर्तन आटे पहनी है, शरीर बर्तन आटे पहनी, देखो बाबा लिखते हैं ना, शिव जयंती भाई व्रत पाऊंग, बाकी सबकी जयंती व्रत पहनी, तो अभी ये पाउंड क्यों कहते हैं है? तीनों के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों देवता हैं ना, ऊंचे थे ऊंचे माने जाते हैं ना, तो सिर्फ जयंती व्रत पाउंड एक की क्यों बताते हैं, और जयंती तो साकार की होती है या निराकार की जयंती होती है? जयंती तो साकार की होती है ना, है? तो तीनों देवताओं की क्यों नहीं बर्थ पाउंड है? तीनों के साथ, तीनों बिगर तो काम नहीं चलता है, अकेला शरीर नहीं होगा तो शिव बाबा क्या करेगा? है?
तभी तीनों तो वो समझे के भाई त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके साथ में जन्म लेते हैं। और ये समझाया जाता है कि कहां शिव और कहां ब्रह्मा है? कुछ अंतर है? यादगार में दिखाते हैं ब्रह्मा को नीचे, इसे दुनिया की तरफ बुद्धि लटकी हुई है, कि परमधाम में नहीं। तो फिर ब्रह्मा कौन, वो भी बताया जाता है कि भाई बहुत जन्म के अंत के जन्म का शरीर ये ठहरा, तो फिर उसको भरतनाट्यम पहनी कहेंगे। हिसाब से तो हुआ ना ऐसे। तो हम तो कहते हैं कि त्रिमूर्ति शिव जयंती यानी जो तीन रहते हैं वो रचने वाला जो शिव है वो है बर्थ डायमंड। कौन है रचने वाला वो शिव है? रचने वाला रचयिता, जो रचता है वो साकार चीज रचता है या निराकार है? साकार रचता है ना। हा? तो उसको कहेंगे बर्थ डायमंड। ऐसे तो नहीं कहा जाता कि ब्रह्मा भी बर्थ डायमंड है, या फिर कहेंगे शंकर भी बर्थ डायमंड है। नहीं, शंकर माने शंकरण है कि नहीं है, तो मिक्स हुआ ना। और शंकर भी तो याद में बैठा हुआ है ना, तो जयंती जो बर्थ पॉइंट है वो ऊंचते ऊंच की जयंती है या नीच की जयंती है? एकदम ऊंचते ऊंच, संपूर्ण, उससे जास्ती संपूर्ण स्टेज और किसी की हो ही नहीं सकती। तो बाबा तो कहे त्रिमूर्ति शिव जयंती बनाओ, क्या भाई त्रिमूर्ति को भी रचने वाला जो रचता है, तो रचता तो वो एक हुआ ना बच्चे है? कौन हुआ? तीन मूर्तियों को भी तो रचने वाला एक हुआ ना। कौन है? तो महिमा ही वास्तव में सिर्फ एक की है। तभी बाबा कहते हैं कि वो जो लिफाफे रखे हुए हैं, रात को ध्यान आता था हम उन लिफाफों को निकालें और ट्राई करें, 50, 100, 200 कोई अच्छे अच्छे आदमियों को कुछ न कुछ लिख करके भेज देवे, क्योंकि ये समझाते भी रहते हैं ना कि मनुष्य किसी को सदगति नहीं दे सकते हैं, है? मनुष्य नहीं दे सकते, तो उनकी जयंती कौड़ी मिसल है और शिव बाबा की जयंती बर्थ पाउंड है, ऐसे कैसे? क्या अंतर हुआ मनुष्यों में और शिव बाबा में? क्या अंतर हुआ? अरे जब जयंती में इतना अंतर है
काम विकार का अंतर हुआ है? काम विकार भी तो तब आएगा जब देह की है इंद्रियां याद आएंगी है, और देह की इंद्रियां ही न याद आए, देह ही याद ना आए है, तो वो कैसे हो सकता है? वो तब ही हो सकता है जब मन कंट्रोल में पूया हुआ हो पूरा, मन से कुछ भी न सोचे है। मनुष्य का मन चलता रहता है, और भगवान को सोच विचार करने की दरकार है, है? कि उनका मन स्थिर हो जाए। मन है ही नहीं, जैसे कि मन की जरूरत ही नहीं, तो किसको सदगति के लिए नहीं दे गए, सदगति दे नहीं सकते हैं कौन? जिनको मन है, मनुष्य कहे जाते हैं। मनुष्य मन चिंतन मंथन करता है तो मनुष्य, और कोई चिंता नहीं, निश्चिंत कभी भी नहीं, तो मनुष्य किसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मन खुद ही चलायमान है। नहीं, अरे चलायमान है हा? न खुद मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकते हैं और न किसको दे सकते हैं। ओम शांति।